आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो हमारे इंडिया की खास है, यानी मूंग दाल कचौड़ी। अब तो बरसात का मौसम है, फ्राइड आइटम्स ही घर में जगह जगह बन रहे हैं, कहीं भजिए कहीं कुछ, तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसको आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं। और ये जो दाल कचौड़ी हम बनाएंगे, जिसको कि हम 10 से 12 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई बनाते हैं। तो इसको कैसे तैयार करते हैं चलिए हम बताते हैं। मूंग की दाल ली है, उसको अच्छी तरह से 2-3 बार धो के मैंने भिगा दिया था 4 घंटे पहले। अब हम इसको छान लेंगे। एक बड़े बर्तन में मैंने 1 बड़ा कटोरी आटा और 1 बड़ा कटोरी मैदा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा ले सकते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच भर के अजवाइन और 1 चम्मच नमक लिया है। और ये देसी घी पिघला के लिया है। ये 3/4 कटोरी लिया है और धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। इतना घी हम डालेंगे कि मुट्ठी बन जाए। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच ये नमक डाल दूंगी। ये रेड वाला सॉल्ट है, जो कि जिसमें सेंधा नमक ज़्यादा होता है, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, यही अच्छा होता है। अब ये 1 चम्मच अजवाइन को हम हाथ से अच्छी तरह मसल के डाल देंगे, जिससे उसमें खूब खुशबू आती है। अब वो पिघला हुआ देसी घी डाल दिया है मैंने, 3/4 डाला है अभी। और इसको अच्छी तरह मिला के देखेंगे कि मुट्ठी बनती है या नहीं। हमें मोयन उतना ही करना है। ये देखिए हाथ से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी ये मुट्ठी रिटेन नहीं कर रहा है, तो बचा हुआ देसी घी भी मैं डाल दूँगी। ये बाकी का देसी घी डाला तो देखिए मुट्ठी रिटेन हो रही है, बस ये बराबर है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डो तैयार हो गया है। अब इसको हम कपड़े से ढक के 15 मिनट रेस्ट करने छोड़ देंगे, तब तक फिलिंग तैयार करेंगे। दाल को मैंने छन्नी पे रख दिया था, जिससे उसका पानी निकल जाए। दाल का ड्राई होना ज़रूरी है। और ये ड्राई ग्राइंडर वाला मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम व्हिप करके चलाएंगे इसको। थोड़ा सा हल्का क्रश हो जाए, बस इतना ही, पीसना नहीं है पूरा। आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। उसके अलावा उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। फिलिंग में सबसे पहले हम ये बेसन, इस चम्मच की से 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, जो बाइंडिंग का काम करता है। उसके अलावा मैंने इसमें जो जो मसाले लिए हैं वो देख लेते हैं। यह हींग, थोड़ी सी हींग डालेंगे। और साथ में ये सौंफ लिया है मैंने, यानी फेनल सीड्स। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फेनल सीड्स और सौंफ और अक्खा धनिया, इन दोनों को मैंने 1-1 बड़ा चम्मच लिया है, जिसको कि ड्राई रोस्ट करके कूट लेंगे। उसके अलावा लाल मिर्च, हल्दी और ये नमक लिया है, अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा लीजिए, मैंने 1 चम्मच लिया है। ये गरम मसाला है 3/4 चम्मच, काली मिर्च है थोड़ी सी, और इसके अलावा मैंने अमचूर लिया है 1 बड़ा चम्मच। आप चाहें तो अनारदाना ले सकते हैं। इन सब मसालों को मिला के हम स्टफिंग तैयार करेंगे। पहले हम ये रिफाइंड ऑयल लेंगे 3 बड़ा चम्मच। अब ये हम दाल को 2 सेकंड चला के और इसको पीस लेंगे। ये खल्लर में हमने वो फेनल सीड्स और अक्खा धनिया, उनको क्रश कर लिया है। और ये दाल देखिए, ये इस तरीके से पिस गई है, थोड़ी खड़ी है, ऐसा ही चाहिए हमको। आप चाहें तो पूरी खड़ी भी रख सकते हैं। सबसे पहले एक पैन चढ़ा देंगे हम, और उसमें ये रिफाइंड ऑयल डाल देंगे 3 बड़े चम्मच। अब उसके अंदर जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तेल, हम उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। सबसे पहले अब इसमें मैंने अक्खा धनिया और वो जो कूटा हुआ फेनल सीड्स था उसको भूनेंगे। उसके बाद ये जो बेसन है वो डाल देंगे। अब इसे भी 2 मिनट भून लेंगे हम। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले ये नमक डाल रही हूँ, और फिर ये हल्दी और आमचूर, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब डाल देंगे। गरम मसाला डाल दिया है मैंने, सबको अच्छी तरह भून लेंगे। उसके बाद ये दाल डाल देंगे, जो हमने क्रश कर ली है मिक्सी में। अब इसको दाल डालने के बाद हम 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे, जिससे दाल में सारे मसालों का टेस्ट आ जाए। 1 चम्मच देसी घी भी डाल देंगे, वो बहुत अच्छी सी खुशबू देगा। ये देखिए, अब ये हमारा जो 15 मिनट रेस्ट कर चुका है, अब हम इसकी लोई काट लेंगे। और पूरी से थोड़ी बड़े साइज़ की हम लोई काटेंगे।
ये देखिए इतने बड़ी बड़ी लोई मैं काट ले रही हूँ, ये पूरी से थोड़ा बड़ा है, बस इतना बड़ा चाहिए। तो इस तरह से सारी लोइयाँ काट लेंगे। और ये जो स्टफिंग मैंने यहाँ ठंडा करने रखी है, इसकी भी मैं इससे थोड़े छोटे साइज़ की गोलियाँ बना के तैयार कर लूँगी। और दूसरी तरफ इधर तेल चढ़ा दूँगी, जब तक वो तेल हल्का गर्म होएगा तब तक हम ये गोलियाँ बनाने का काम कर लेते हैं। ये देखिए हमने लोई और स्टफिंग की गोलियाँ भी तैयार कर ली। अब इसको देखिए इस तरीके से मैंने किनारे किनारे से बड़ा कीजिए, बीच में मोटा रखिए, इस तरीके से बीच में मोटा रखना है और अगल बगल करना है। जो ये हमने इसके भी बना के गोले रख रखे हैं ना, वो गोला एक बीच में रखिए, ये थोड़ा बड़ा है, जो उसके साइज़ का हो उसके हिसाब से रख के और हल्का सा प्रेस करते हुए इसको बीच में ला के और इस तरीके से अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। जो अगर एक्स्ट्रा हो तो निकाल दीजिएगा, वरना इस तरीके से फिर हल्का हल्का हाथ से प्रेस कर करके ही करना है। इसको बेलते नहीं है, बस थोड़ा सा साइज़ बड़ा करेंगे और ऐसा देख लीजिए कि सब तरफ दाल अच्छे से आ जाए। और इस तरह से हाथ से दबा के और बस इसी तरह हम सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इधर ये मैंने घी भर के चढ़ा दिया है, इसको लो टू मीडियम पे ही रखना है, किसी हालत में आँच तेज नहीं करनी है। डालने के पहले हम चेक करेंगे, बहुत तेज अगर है तो उसको पहले ठंडा होने देंगे। देखिए छोटा सा डाल के देखा है, ये बस नीचे बुलबुले उठ रहे हैं, ये ऊपर उठ के नहीं आ रहा है, बस इतना ही गर्म चाहिए। अगर आपका ज़्यादा गर्म हो, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको फिर थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि एकदम से गर्म में जैसे पूड़ियाँ निकालते हैं वैसा नहीं बनाना है। कचौड़ी को धीमी आँच पर सेकना है, तभी वो अच्छी खस्ता तैयार होंगी। ये देखिए हल्का हल्का नीचे बबल दिख रहा है ना आपको, बस इतना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे कि एकदम डालते ही वो ऊपर आ जाए ऐसा नहीं चाहिए हमें। अब इसको इसी धीमी आंच पे रखेंगे, ये 3-4 मिनट के बाद हल्का होके ऊपर आने लगेगी और तब अपने आप उसको हल्के हाथ से पलट देंगे हम। ये देखिए अब इसको ये थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है, तो हल्के हाथ से बहुत ही सहारे से इसको हम पलट देंगे। आंच किसी भी हालत में हम तेज नहीं करेंगे। ये देखिए मेरे, ये देखिए इस तरीके से मैंने पलट दिया है, ये एक तरफ से थोड़ी हो गई थी और देखिए थोड़ी थोड़ी फूलने लगी ना। बस अब इसको हम फिर धीमी आंच पे रहने देंगे, 4-5 मिनट के बाद ये थोड़ी लाल लाल हो जाएंगी, तब हम जैसा लाल चाहिए आपको उतना अच्छी तरीके लाल कर लेंगे। ये कचौड़ियाँ क्योंकि मैंने इसमें कोई भी वैसा इंग्रेडिएंट नहीं मिलाया, जैसे हरी मिर्ची हरा धनिया, अगर आप ताज़ा खा रहे हैं तो मिला सकते हैं। मैंने जो ये दाल की कचौड़ी तैयार की है, इसको आप आराम से 10 से 12 दिन रख के खा सकते हैं, यानी आप ट्रैवलिंग में ले के जा सकते हैं, कार में रख लीजिए, बच्चों को जब भी चाहिए तो रोड साइड का देने के बजाय खुद के लिए होगा, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और मैंने इसको आटे से भी बनाया है, मैदा नहीं डाला है, आधा आटा आधा मैदा, तो इसे आप कभी भी खा सकते हैं। ये देखिए अब इस पर कलर भी आ गया है और ये कितनी अच्छी तरह फूल गई है ना। इस समय मैंने थोड़ा सा हल्की सी आंच तेज की थी, हाई नहीं की थी, मीडियम में ही थोड़ा सा ज़्यादा वाली साइड रखी थी, क्योंकि इस पर कलर अच्छा आ जाए ब्राउन। तो बस अब ये ऑलमोस्ट तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे और वो जो सौंठ होती है इमली की मीठी चटनी, उसके संग सर्व करेंगे। आप अपनी मनचाही चटनी के संग सर्व कर सकते हैं, ये बहुत खस्ता होती हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छी हैं टेस्ट में, तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो बस निकाल के हम सर्व करते हैं। देखिए इनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, तो बस अब हम इसे निकाल के और सर्व कर देते हैं। ये देखिए अब मैंने इसको सर्व कर दिया, देखिए कितनी फूली फूली पूड़ी है ना कचौड़ी है, और इसको मैंने मीठी चटनी के संग सर्व किया है। आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए, ये बहुत यम बनी है, बहुत खस्ता है, ये आपकी उस पेशेंस का नतीजा है, क्योंकि इसको तलते वक्त हमें पेशेंस रखनी पड़ती है, किसी भी हालत में टेम्परेचर हाई नहीं करना होता है, धीमी आँच में ही आप इसको पकने दीजिए जब तक ये कलर ऐसा एकदम रेड रेड ना आ जाए। और बस ये तैयार हो गई हैं, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, नाश्ते में ले जाइए, खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए, और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए एक मैं इसका ऑयल कंजम्पशन कम करने का वो दिखा रही हूँ, ये है मेरे पास एयर फ्रायर, उसके अंदर मैंने यही जो अभी अपन ने कचौड़ियाँ तैयार की थी ना, उस पर हल्का सा तेल का हाथ लगा दिया, या ब्रश से आप लगा दीजिए, और इसके ऊपर हम रख देंगे और ऐसे रखिए कि दूर दूर रहे,
और इनको लगा के और फिर हम इसको इसी ऑयल उसमें अपने एयर फ्रायर में हम इसको फ्राई होने देंगे। ये देखिए इस पर मैंने लगा दिया है अब एयर फ्रायर में, और इसके अलावा इसको अब मैं 120 पे लगा दूँगी। ये देखिए 120 पे लगाऊँगी मैं अभी 5 मिनट्स के लिए लगा रही हूँ, उसके बाद मैं चेक करूँगी, अगर ब्राउनिंग नहीं होगी पलट देंगे और उसके बाद होने देंगे और ये बिना ऑयल के हमारी फ्राई हो जाएंगी। देखिएगा आप वैसा ही कलर आएगा। ये देखिए ये 12 मिनट हो चुका है और देखिए ये फूल भी गई हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना, और यकीन मानिए ये उतनी ही खस्ता है, और जबकि हमने डीप फ्राइंग को भी अवॉइड कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एयर फ्रायर का। चलिए अब इसको भी निकाल के हम सर्व कर देते हैं। बस ये भी बिल्कुल वैसी ही टेस्टी है, आपको कलर में थोड़ा लग रहा होगा कि ये थोड़ा कम कलर है, और आप 3 मिनट रख दीजिए तो ये और हो जाएंगी, पर ये फूल गई थी बराबर तो मुझे लगा ये हो गई है। और कलर के लिए भी ऐसा है कि अगर ब्रश से अच्छी तरह से ऑयल से कोट करिएगा ना तो वो बराबर कलरिंग आएगी। तो इस तरीके से बनाइए तो आप डीप फ्राइंग भी अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ मोयन में जो पड़ा हुआ है उसके कारण ये बहुत खस्ता है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ये आपको वहाँ अपने एयर फ्रायर वाली दिखा रही हूँ, अभी ठंडी नहीं हुई है, जबकि ठंडी हो जाए तो ये और क्रिस्प हो जाती है। और देखिए ये देखिए कितनी अच्छी है ना, देखिए, और दाल भी कितने अच्छे से भरी हुई है ना। ये देखिए इसको ऐसे करिए, देखिए ये बराबर बनी है, और इससे हमने डीप फ्राइंग भी अवॉइड कर ली। तो इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं आप।